भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि की मिट्टी दुर्गा प्रसाद पांडे प्राकृतिक रूपा भाई द्वारा लिया गया और इस मिट्टी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री को उनके निवास पर भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। 2014 से दुर्गा प्रसाद पांडे के द्वारा प्रधानमंत्री को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के निवास स्थान जीरादेई के डॉक्टर राजेंद्र बाबू के घर बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का जीरादेई आने का कोई कार्यक्रम नहीं बना। इस मिट्टी के साथ इस जन्मभूमि के सपूत को याद दिलाया जाएगा कि भारत के आजादी के बाद कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जीरादेई नहीं आए। 16 जनवरी 2025 को दुर्गा प्रसाद पांडे इस मिट्टी के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलने का समय पीएमओ से मांगेंगे और इस मिट्टी के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और राजेंद्र बाबू के पैतृक निवास आने का आग्रह करेंगे और जीरादेई क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। मिट्टी उठाने के समय उपस्थित लोगों में पूर्व मुखिया बलिंदर सिंह, नवीन कुमार, राजेश कुमार, अमरेश कुमार, दिनेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये पैतृक निवास और ये सुंदर बेलपत्र का पेड़, इसके नीचे की मिट्टी, इस धरती की सुगंध को लेकर के पिछले 2014 से हम प्रयासरत हैं इस बात को लेकर के कि इस धरती पर आज तक कोई प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्रपति, भारतवर्ष का कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति इस धरती पर नहीं आया। जबकि स्वतंत्रता आंदोलन के पहले महात्मा गांधी यहाँ इसी धरती पर इसी निवास में 2 दिन तक रुके हुए थे। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, खुद पीएमओ में जाकर के तमाम हमने आवेदन दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस मिथ्या को तोड़िए कि इस धरती पर आज तक कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति नहीं आया। इसका मेरा एक उद्देश्य है कि आप अगर आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र का कितना बड़ा विकास हुआ। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखें तो क्या है, तो कहीं पानी है, नाली का कीचड़ है और सब चीजें जो है वो व्यस्त है और कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि हम बहुत खुश है कि नहीं जी जीरादेई क्षेत्र का जो देश रत्न का पैतृक निवास क्षेत्र है वहां का विकास हुआ। ढंग का कोई हॉस्पिटल नहीं है, ढंग की कोई व्यवस्था नहीं है, एक डाकघर भी था यहाँ पे, इसको भी उठा करके दूसरी जगह भेज दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या यहाँ की जनता जो है इतनी कमजोर है, यहाँ के लोग इतने कमजोर है कि जिस धरती ने देश रत्न से महापुरुष को दिया उस धरती का सम्मान देश स्तर पर क्यों नहीं? देखा जाता है कि जब राजेंद्र बाबू का जन्म दिवस आता है तो बड़े बड़े लोग उनके जन्म दिवस के मौके पर यहाँ पे आते हैं और बड़े बड़े वादे भी करते हैं कि विकास कराएंगे, विकास करेंगे, लेकिन आज तक वो प्रशासन के लोग हुआ चाहे सरकार के लोग हुआ, आज तक कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ वादा करके गए हैं। देखिए 3 दिसंबर, 28 फरवरी सबको याद आता है, लेकिन उसके बाद इस धरती का, इस स्टेचू का क्या हालचाल है आप देखेंगे कि इस पूरे परिसर को अभी हमने देखा है, ये रंग रोगन तक नहीं है। 3 दिसंबर बीत चुका है और उसके बावजूद भी यहाँ पे पुरातत्व विभाग इस पे रंग रोगन, इस बिल्डिंग पे रंग रोगन तक नहीं करा पाया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारी है। धरती सिर्फ और सिर्फ सुधरेगी कोई टॉप, और टॉप की बात अगर करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नीचे कोई टॉप नहीं है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात मैं करता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री तो काल में कोई ऐसे महापुरुष की जन्म धरती नहीं है जिसे छोड़ दिया हो, सिर्फ और सिर्फ एक जन्म धरती उन्होंने छोड़ी है, वो जन्म धरती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। देखा गया कि सिवान के एक सांसद थे, पूर्व के जो सांसद हैं, मोदी जी के कहने पर वो सिवान जिले में जीरादेई के गोद लिए हुए थे, लेकिन क्या विकास हुआ उनके माध्यम से बताइए। देखिए विकास के नाम पर तो जीरो है, विकास के नाम पर चारों तरफ देखते हैं वही विकास है जो आम जगह का है। जीरादेई स्टेशन की हालत देख लीजिए, जीरादेई से सड़क जो है मुख्य मार्ग से जो सड़क आती है वो भी आज सिंगल है, डबल लाइन आज तक नहीं हुई। जो कहाँ आती है, अब तो देश रत्न
भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास तक आती है, आज तक डबल नहीं, उसका दोहरीकरण नहीं कर गया किया गया। ये आज जो ये मैंने मिट्टी लिया है, इस मिट्टी का उद्देश्य है कि हमने चिट्ठियां बहुत दी हैं, बहुत कुछ हमने कहा है सुना है, लेकिन इस बार हम जो है अब अपना काम ये करेंगे कि इसको पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री जी के निवास तक। एक जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जी के यहाँ, एक जाएगा गृह मंत्री जी के यहाँ। आपको मैं बता दूं कि माननीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी और इसी राजेंद्र बाबू के पैतृक निवास के लिए हुई थी, और उसमें हमने एक ही शब्द जोड़ा था कि साहब प्रधानमंत्री जी कब तक जाएंगे जिया दे। उस समय अमित शाह जी का यह स्टेटमेंट था कि अनुकूल समय आने दीजिए, प्रधानमंत्री जी जीरा दे जरूर जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि वो समय भी बीत गया, 10 साल हो गए, 2015 से आज 2025 आने वाला है, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम इस धरती को एक बार पहुंचा दें, इस मिट्टी की सुगंध पहुंचाएं, हो सकता है इससे प्रधानमंत्री जी जीरा दही की तरफ मूव करें, जीरा दही की तरफ आने का प्रयास करेंगे। और इसी आशा के साथ हम इसको 20 जनवरी तक, अभी हम एक इसका लेटर तैयार करेंगे कि हम किस तारीख को नई दिल्ली पहुंच करके और प्रधानमंत्री जी निवास तक इसको देंगे। ट्विटर के माध्यम से, पीएमओ के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे कि हम आपके यहाँ इस तारीख को पहुंच रहे हैं और इस मिट्टी को आप ग्रहण कर लें। ये तीन मिट्टियां भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ ये पहुंचाने का हमारा कार्य है। देखें कहां तक सफलता मिलती है। अपना परिचय बता दीजिए। दुर्गा प्रसाद पांडे नाम है मेरा, प्यार से लोग प्रकृति रूपा भाई कहते हैं, और राजेंद्र बाबू का अनुयायी हूं, साथ साथ में शिवमय भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मूलतः मेरा बेलपत्र का पेड़ लगाने का काम है, 11 करोड़ बेलपत्र, 11 करोड़ घरों के आगे लगाने के लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। ये छोटा सा हमारा अपना परिचय। लगभग अब तक कितने बेलपत्र लगा चुके हैं? देखिए अभी तक हमने लमसम 3,75,000 बेलपत्र के पौधे और पेड़ भिन्न भिन्न जगहों पर लगाए और बांटे हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान है, यहाँ एक सटे बाजार है, वहाँ दिन प्रतिदिन रातों दिन बराबर जाम लगी रहती है। बहुत लोग आश्वासन दिए कि चोरी करोर होगा, लेकिन जो इस रास्ता से जाता है बहुत उसको दिक्कत होता है और रोज जाम के सामना करना पड़ता है, रात हो या दिन। राजेंद्र बाबू के घर का विकास नहीं हुआ तो सड़क का कैसे विकास होगा? अरे तो सड़कें से ना कोई राजेंद्र बाबू को चाहे कहीं जाएगा आएगा, लेकिन अब इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देखना चाहिए ना आकर। यहाँ देखा जाता है कि जो नर्वस जो मुख्य मार्ग है, जो यहाँ से जन्मस्थली पे यहाँ पे जो सड़क आती है, आए दिन इस सड़क पे जो है दुर्घटनाएं घटती रहती है, लेकिन आज तक इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अब तो नेता जो MLA हैं, MP हैं, उन लोगों को उसको बार बार हम लोग कहते हैं। वो लोग तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। अरे तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए ना आकर, कम से कम राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान है तो उनको तो आकर देखना चाहिए कैसा उनका निवास स्थान है। बराबर 1 फीट गहरा जो आप सड़क का बात करते हैं, 30 से 1 फीट गहरा वो बगल में है, बराबर एक्सीडेंट होता रहा। सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ दिन के बाद जो है नीतीश कुमार का जीरा दही में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या आप लोग उनसे मिल करके इस बात को आप लोग रखेंगे? एकदम रखेंगे हम लोग तो खुद नहीं कि नीतीश बाबू को अभी आए तो उनसे समस्या कहेंगे। क्या लग रहा है जब तक राजेंद्र बाबू का जब तक विकास नहीं होगा तब तक आप लोग क्या करेंगे आगे चल के? अब हम लोग यही ना करेंगे, मुख्यमंत्री हो या जो विधायक हो नेता हो उससे हम लोग आप कहते हैं। बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिनके घरों पे आप जाएंगे तो स्वर्ग की तरह दिखता है, जी जी, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे जीरा दही में कुछ नहीं, उस तरह जीरो है, उसके मामला में तो जीरो है। तो क्या आप मांग करेंगे सरकार का? यही तो दिक्कत है, लेकिन तो जो कर्म है तो हम लोग करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है बलिंदर सिंह, घर है भटुआ, चांदपली पंचायत के मैं 3 बार मैंने मुखिया का पद संभालू। विकास के मामले में तो काफी पिछड़ा हुआ है, अभी यहाँ पे काफी विकास की जरूरत है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, यहाँ पे रंग रोगन की काफी आवश्यकता है और इसमें भारत के पुरातत्व विभाग ASI को ध्यान देना चाहिए इसके विकास पे, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का निवास स्थान है। यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने आते रहते हैं समय समय पे, तो इसकी विकास और आधारभूत संरचनाएं तो अच्छी होनी चाहिए, और ये हमारे बिहार की पहचान भी है। देखा जाता है कि बड़े बड़े जो नेता हैं या मंत्री हैं या विधायक हैं या MLA जो भी हैं,
उन लोग के यहाँ जब शादी पड़ता है तो अपने पूरे घर को जो है रंगाई पोताई करवाते हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू के जब जन्म दिवस आता है तो उनके घर को क्यों नहीं रंगाई पोताई करवाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? ये नेताओं की अपनी राजनीति है, उनको राजनीति से ऊपर उठ के समाज के जब तक जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन पे ध्यान अगर वो नहीं देंगे तो उनकी राजनीति वैसे भी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। ये जो हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं और जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको अच्छा स्वच्छ और साफ रखना बहुत जरूरी है। देखा जा रहा है कि जिया दे की जो धरती है, राजेंद्र बाबू का जो जन्म असली है वो विकास के लिए रो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जिया दे की विकास तो प्राथमिकता में होनी चाहिए क्योंकि ये काफी पुरानी विरासत है हमारी और इससे बिहार की पहचान भी है, तो इसमें तो मतलब प्राथमिकता के स्तर पर ध्यान देनी चाहिए। धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं सिवान से हूँ।